नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं द इंडियन न्यूज में। दोस्तों, लेकर आ चुके हैं आज की सुशील कुमार से संबंधित तमाम अपडेट। इस वीडियो के अंदर आपको जानकारी पूरे विस्तार से देने वाले हैं। दोस्तों, आप भी चाहते हैं सुशील कुमार से तमाम जानकारी जानना, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सागर हत्याकांड में गोवा ने मांगी सुरक्षा, कहा सुशील से है जान का खतरा, बदमाशी से डर रहे शाहिए। उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार पहलवान द्वारा हत्या के मामले में एक गवाह से सुरक्षा प्रदान करने के लिए उचित कदम उठाने का निर्देश दिया है। याची ने सुशील और उसके सहयोगी से अपनी जान के खतरे का बताया है। अदालत ने सरकार को गवाह सुरक्षा योगी 2018 के तहत याची को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कदम उठाने की कहा है। दोस्तों, आखिरकार क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, सुशील कुमार से संबंधित तमाम अपडेट आगे तक के आप चाहते हैं तो अभी के अभी चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि चैनल के नीचे है, और पास ही में एक बेल आइकन है उसे दबाकर आप ऑल पे प्रेस कर लीजिए। ऐसे में हम कोई भी वीडियो डालेंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों, जानते हैं दोस्तों आखिरकार क्या है पूरा मामला। न्यायमूर्ति सुरेश कत ने दिल्ली सरकार को निर्देश दे दिया है कि वे एक सप्ताह में हत्या के इस मामले के गवाह को उक्त योजनाओं के तहत सुरक्षा देने के लिए संबंधित अथॉरिटी के समक्ष आवेदन दे। अदालत ने साथ ही संबंधित अथॉरिटी को भी आवेदन मिलने के एक हफ्ते के भीतर फैसला लेने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि निर्णय होने तक दिल्ली पुलिस गवाह को सुरक्षा मुहैया कराएगी। कोर्ट ने इस आदेश के साथ द्वारा दी गई याचिका का निपटारा कर दिया है। छत्रसाल स्टेडियम में गैंगस्टर काला जटड़ी के खास सोनू महाल व सागर समेत 5 आरोपियों की बुरी तरह से पिटाई की गई थी। काला सौदा गिरोह के सदस्यों ने अपने जान का खतरा लेने लगे हैं। उन्हें लग रहा है कि काला जटली बदला लेने के लिए उनकी हत्या करवा सकता है। ऐसे में काला सौदा गिरोह के गिरफ्तार 5 सदस्यों की कोर्ट व पुलिस के सामने अपनी जान को खतरा बताकर सुरक्षा देने की गुहार लगाई है। कोर्ट ने मेडोली जिले के अधिकारियों के समीक्षा कर सुरक्षा देने का कहा है। दूसरी तरफ, सागर हत्याकांड में फरार अनेक आरोपियों को पर पुलिस शुक्रवार को इनाम घोषित कर सकती है। अपराध शाखा ने फरार ओलंपिक पहलवान इनाम घोषित करने के लिए पुलिस मुख्यालय फाइनल भेज दिया गया है। छत्रसाल स्टेडियम में सुशील कुमार के खास अजय को फोन कर काला असौदा गिरोह के 7 सदस्यों को बुलाया था। ये लोग भी मारपीट में शामिल थे। दिल्ली पुलिस ने इनमें 6-4 सदस्य भूपेंद्र मोहित, गुलाब उर्फ पहलवान और मंजित को गिरफ्तार कर लिया है। प्रिंस मौके पर पकड़ा गया था। इन सदस्यों ने अब सुरक्षा देने के गुहार लगाई है। इनको लगता है कि काला जटली इनके कत्ल करवा सकता है। ऐसे में काला असौदा गिरोह के नीरज भुवानिया गिरोह और काला जटली लोरित बिश्रोई गिरोह के बीच गैंगवार होने की आशंका भी बढ़ गई है। अपराध शाखा का एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सुशील की जान को अब कोई खतरा नहीं है। सुशील व काला जटली का हरियाणा में एक गांव में समझौता हो गया है। इस दौरान सुशील को कुछ खास लोग भी मौजूद थे। दूसरी तरफ से दिल्ली पुलिस सागर हत्याकांड में फरार 8 से 9 लोगों पर शुक्रवार तक इनाम घोषित कर सकती है। इनमें पर 50,000 रुपए तक का इनाम हो सकता है। दिल्ली पुलिस को अब तक छत्रसाल स्टेडियम में सीसीटीवी कैमरों की फुटेज नहीं मिली है। सुशील कुमार ने स्टेडियम में लगे सीसीटीवी कैमरों का DVR अपने पर लगवा रखा था। सुशील ने इस DVR को गायब कर दिया है। अपराध शाखा उन 2 बार रिमांड पर लेने के बावजूद भी DVR को बरामद नहीं कर पाई है। पुलिस के पास इलेक्ट्रॉनिक साइक्स के नाम पर सिर्फ प्रिंस दलाल मारपीट की बनाई वीडियो है। इसके अलावा पुलिस के पास 4 पीड़ितों समेत 7 से 8 गवाह है। आखिरकार दोस्तों क्या होता है, सुशील कुमार को सजा मिलती है नहीं, ये तो आखिरकार पुलिस के अदालत से आने वाला फैसला बताएगा। पर दोस्तों, जानने के लिए आप इस चैनल के ऊपर कंटिन्यू बने रहे ताकि आपको मिलेगी तमाम अपडेट। सुशील कुमार से संबंधित हर एक जानकारी चाहते हैं तो अभी के अभी चैनल के नीचे एक लाल बटन देर का उसे दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए। ऐसे में हम कोई भी वीडियो डालेंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।